परेशान नहीं, आई थिंक शिवन्या को बैड ड्रीम्स आ रहे हैं तो एंड शी इज़ फाइटिंग इट इन हर ड्रीम्स. और ऋतिक एज यूजुअल कम्स टू हर रेस्क्यू और उन्हें उठाते हैं एंड कहते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ एंड वी बोथ टॉक ऑल नाइट एंड इवेंचुअली ही फॉल्स असलीप. सो ड्रामा भी है एंड थ्रिल भी है उसका, बिकॉज व्हाट इज शी ड्रीमिंग अबाउट. और एट द सेम टाइम आई गेस फनी एलिमेंट भी है कि वो मुझसे बात करते करते खुद ही सो जाते हैं. आई गेस नो, नागिन से डरने का क्या ताल्लुक है. आई थिंक ऑल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एनी लिविंग क्रीचर, आई थिंक डर एज एन इमोशन सब में होता है. सो आई गेस उनको कुछ आ रहे होंगे बचपन के सपने, अपने मॉम डैड के डेथ के सपने, कुछ समथिंग दैट हैज़ समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड टू शिवन्या. शी मस्ट बी ड्रीमिंग अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई शी इज़ ट्राइंग टू फाइट इट आउट. इसमें कुछ जस्टिफाई नहीं करने वाली, स्क्रीन प्ले का वेट करने वाली हूँ. आप लोग भी पेशेंटली वेट कीजिए. एक एपिसोड ख़त्म होता है तो मैं भी उतनी क्यूरियस होती हूँ जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है जितना कि हमारी ऑडियंस. सो बस वेट कर रही हूँ जानने के लिए कि हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स और आगे एक्चुअली होगा क्या. थैंक यू.